उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की दबंगई से जुड़े अनेकों मामले सामने आते रहते हैं। इसी से जुड़ा एक मामला यूपी के कानपुर से सामने आया, जहां जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे भाजपा समर्थकों की सपा नेता से झड़प हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस भी मामले को शांत न करा पाई। देखते ही देखते झड़प हाथापाई में बदल गई, जिसमें सपा नेता फतेह बहादुर सिंह और चार महिलाएं घायल हो गईं। पूरा मामला कानपुर के चकेरी स्थित लाल बंगला बाजार के पास का बताया जा रहा है। जहां चकेरी के N2 रोड स्थित 8 दुकानों में बीती 7 मई को KDA ने अतिक्रमण चलाया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार को भाजपा समर्थक बुलडोजर लेकर दोबारा पहुंचे। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने बुलडोजर की मदद से कब्जा करना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही सपा नेता फतेह बहादुर सिंह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने स्थानीय दुकानदारों के साथ भाजपाइयों की ओर से किए जा रहे कब्जे का विरोध किया। पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर सर्किल का पुलिस फोर्स मौजूद था। इसके बावजूद भाजपाइयों ने पुलिस की मौजूदगी में सपा नेता फतेह बहादुर सिंह और महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट में सपा नेता फतेह बहादुर सिंह की पगड़ी भी खुल गई। साथ ही सपा नेता समेत चार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए काशीराम ट्रामा सेंटर भेज दिया। चकेरी में आज एक विवाद हुआ है, सपा नेता की पिटाई हुई, क्या मामला है ये? देखिए, एक जमीनी प्रकरण था, उसमें एक पक्ष अपने आके कुछ काम कर रहा था। इस काम के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ था, तो कुछ शायद नेता वहाँ पर आ गए थे, इसी के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। उसी में एक पक्ष को चोट आई। अब जैसा कि बस उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी, उसके आगे फिर कार्रवाई। क्या इसमें KDA की टीम थी वहाँ मौके पे? KDA की टीम आई थी या वो जो भवन मालिक हैं वो खुद आए थे अपना सामान? जो मालिक, जिनको KDA ने बताया था कि उनकी ज़मीन है, तो वो लोग आए थे। तो अब इसके चलते जो विवाद हुआ था, उसकी आगे जांच की जाएगी कि किसकी ज़मीन थी या पुलिस के सामने ये इतना बड़ा बवाल हो गया। देखिए, पुलिस की प्रेजेंस वहाँ थी बिल्कुल, और पुलिस ने ही वहाँ पे बवाल को बढ़ने से भी रोका है। तो अब क्या है कि लोग वहाँ रहते हैं, तो हो सकता है कुछ बवाल हो जाए, लेकिन पुलिस ने ही वहाँ पे बवाल को बढ़ने से रोका कि कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। तो यहाँ पे पुलिस को अगर ऐसी कोई बात है कि किसी गलती भी उनका निकल के आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।